नगर निगम के समस्त कर्मचारियों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है और वह हड़ताल पर चले गए हैं। इस वजह से नगर निगम के द्वारा संचालित सभी काम ठप हो गए हैं। अजाक्स ने भी इस हड़ताल में अपना समर्थन देना शुरू कर दिया है। कर्मचारी संगठनों का आरोप है कि नगर निगम के कर्मचारियों की लंबित मांगें अब तक पूरी नहीं हुई हैं और वहीं काम का दबाव बनाया जा रहा है। इसी के चलते उन्होंने अपनी मांगें साझा की हैं और कहा है कि संगठन सातवें वेतनमान एरियर्स की राशि का भुगतान शीघ्र होना चाहिए। इसके अलावा 15 कर्मचारियों की जो लंबित जांच चल रही है वह अब तक पूरी नहीं की गई है, उन्हें जल्द पूरी किए जाने चाहिए। 30 कर्मचारियों पर अभी तक विनियमितीकरण की कार्यवाही नहीं हुई है जो शीघ्र होनी चाहिए। इसके अलावा कई मांगे उन्होंने साझा कर दी है। वहीं उन्होंने यह भी कहा है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन भी जारी बना रहेगा। आज की हड़ताल इसलिए हुई है कि प्रशासन की हठधर्मिता का परिणाम है ये। इसके पूर्व हमने अनेकों लेटर पत्र दिए, कमिश्नर से मिलने गए, उन्होंने मिलने का टाइम भी नहीं दिया। हमारे कर्मचारियों को एक भी सुविधा नहीं, हमारा पैसा नहीं दिया जा रहा। इसके अलावा कर्मचारियों को नए नए फरमान आदेश जारी कर दिए जाते हैं। ऐसे महामारी में, कोविड महामारी में आपने एक आदेश निकाल दिया, 15 दिन के अंदर सारे जो हमारे कर्मचारी हैं घर घर जाएंगे, उसका सर्वे करेंगे मकान का और फीड करेंगे। हम आपसे पूछना चाहता है, इस महामारी के दौर में कोई अपने घर में किसी को आने देगा? गेट के अंदर क्या कोरोना नहीं फैलेगा? नहीं, इसमें कोरोना नहीं है। आप नगर निगम में इकट्ठे नहीं हो सकते। 5 लोग मिलने चले जाओ तो कमिश्नर साहब कहेंगे कि कोरोना है, और आप कहते हो कि 15 लोग सबके घर जाइए और सर्वे करिए, इसमें कोरोना नहीं। हमारे कर्मचारी की सुरक्षा की कोई व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं। एक जोन में ना सैनिटाइजर है ना मास्क है। कर्मचारी ऐसे ही चला जाए, अपने पैसे से मास्क खरीदे। इस महंगाई के दौर में पैसा आप दे नहीं रहे। चिकित्सा अग्रिम आपने बिल्कुल बंद कर दिए। क्यों बंद कर दिए भाई? कर्मचारी को चिकित्सा अग्रिम आप देते हो, कोई एहसान नहीं करते, उससे ब्याज सहित वापस लेते हो आप। और इस महामारी के दौर में प्रत्येक घर में कोई ना कोई पीड़ित है। कर्मचारी का वेतन है कितना? और आपको एक बात और बता दूं कि चिकित्सा अग्रिम 3rd और 4th क्लास के लोगों को मिलता है। बड़े अधिकारियों के लिए तो प्रतिपूर्ति की व्यवस्था 5 लाख तक 2 लाख तक की व्यवस्था हो जाती है। ये कर्मचारियों के पैसे में सोचते हो आप? सोचने ही नहीं। हमारा पैसा दे दो, कर्मचारी काम पे जाएगा, पूरी सुरक्षा के साथ जाएगा, आपका सर्वे भी होगा, लेकिन जब कोविड खत्म हो जाए, नहीं खत्म होता तो 15 दिन में नहीं करेगा, कम से कम 2 महीने का टाइम दिया जाए। हमारे घर मतलब कोई भी फरमान है वो सिर्फ नगर निगम के लिए, बाकी विभागों के लिए कुछ नहीं। अब आपको लेटेस्ट में बताना चाहता हूँ उदाहरण। कल रात में ये हुआ, लेफ्ट राइट टर्न की दुकानें, एक दिन राइट एक दिन लेफ्ट, उसके तो पूरा लिखने का काम किसको कौन कर रहा है पता आपको? नगर निगम का कर्मचारी। क्यों करेगा हमारा निगम का कर्मचारी? प्रशासन बाकी शासन क्या करता है? हमारे स्वास्थ्य विभाग में देख लो आप, आपने एक सस्पेंड कर दिया कल CSI को, क्यों? जरा जी सफाई को लेकर, थोड़ी सी सफाई को लेकर। इतना बड़ा मामला नहीं था वो कि इसको आपने सिर्फ नहीं बोले सड़क पे कचरा। अरे आपकी आंख के सामने कचरा पड़ा है, इतना सारा ढेर लगा, करो यहाँ के HO और AHO को सस्पेंड। ये सब बातें को लेके हमने आज अनिश्चितकालीन बंद किया है। अगर हमारी मांगे मान ली जाती तो ये स्थितियाँ नहीं बनती। अब अगर हमारी मांगे मानना है तो स्वयं कमिश्नर से बात होगी, तभी हम बात करेंगे, और वो भी आश्वासन नहीं चाहिए हमको। आप बोल दीजिए कि ये हम कर दिया हमने, जब आप हमें बता देंगे हमने कर दिया, हम संतुष्ट होंगे तो हम बंद कर देंगे, खोल देंगे, नहीं तो हम अनिश्चितकालीन बंद कर देंगे। हमारी मांग है 7वें वेतनमान की एरियर्स राशि हमको मिलना थी, जो आज तक नहीं मिली। हर बार हमको तरका दिया गया, हर बार हमसे कहा जा रहा है कि आपके 15 जो कर्मचारी हैं जिनकी जांचें लंबित हैं पूर्ण कर दी जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। मात्र एक कर्मचारी ऐसा है जिसकी जांच चलते भी उसे संपूर्ण लाभ दिए जा रहे हैं, नरेश शर्मा, इसके अलावा कोई नहीं। 30 कर्मचारी ऐसे हैं जिनके ऊपर आज तक विनियमितीकरण की कार्रवाई नहीं हुई। उसके अलावा एक आयुक्त महोदय ने आदेश दिया कि 15 दिनों के अंदर घर घर जाके सर्वे किया जाए, और सर्वे की रिपोर्ट यदि 15 दिन के अंदर आप नहीं दे देते हैं तो आपको निलंबित कर दिया जाएगा। कैसे करेगा ऐसे माहौल में? कौन हमको अंदर घुसने देगा? असंभव। आयुक्त महोदय ने कल रात में कलेक्ट्रेट की एक बैठक में ये निश्चित कर दिया कि नगर निगम का कर्मचारी
जो अनलॉक होना है तो लेफ्ट और राइट दुकान पे जाके लिखेगा। क्या ये हमारा काम है? ये तो पीडब्ल्यूडी का काम। निगम कर्मचारी अब किसी भी दबाव में आके कोई भी काम नहीं करेगा, कैसे भी दबाव को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमारी मांग, जब तक आयुक्त महोदय स्वयं आकर पूरी नहीं कर देते, अब हम आश्वासन पर अपनी हड़ताल को स्थगित नहीं करेंगे। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती है, हमारे खातों में पैसा नहीं आ जाता, ये दबाव वाले आदेश वापस नहीं ले लिए जाते, तब तक हड़ताल अनवरत यूं ही जारी रहेगी अनिश्चितकाल। हम अब किसी समझौते पर विश्वास नहीं रखेंगे।